इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। सबसे पहले तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन कंट्रोल है। तुम्हारे मन में आ रहा होगा व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन, वो फंक्शन नहीं है, वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो सब कड़ियों को जोड़ता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको जोड़ने का काम कंट्रोल करता है, करेक्ट? सो कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, देयरफॉर कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। काफी बार पूछते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, तुम्हारे सामने मैंने प्रेजेंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 देखने में आता है मुझे कि लेटेस्ट काफी इंपॉर्टेंस पूछा है उन्होंने। सो एग्जाम में तुम्हारे सामने ये ड्राइंग भी आ गया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन है और कोऑर्डिनेशन को बीच में रखा है। सो तुम एग्जाम में इस प्रकार से लिखोगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सिंपल सा इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में तुम ये लिखोगे कि कंट्रोल इज द फिफ्थ या तो फिर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बोलो फिफ्थ बोलने की जरूरत नहीं, लास्ट बोल देना। सो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा तुम ऐसा बोलोगे कि सी कंट्रोल तो लाइफ में हर किसी को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं इंसान को भी चाहिए। ओवर पबजी खेला तो लोग को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्या तुमने सुना है? क्या तुमने सुना है यस एनीथिंग? कोई भी चीज कंट्रोल नहीं की गई, उसको खुला छोड़ दिया, जैसे पबजी का मैंने एग्जाम्पल लिया, या जिम भी ओवर कर दिया तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। पढ़ाई भी बैलेंस जरूरी है, पढ़ाई तो तुम खैर ज्यादा करने का सबसे, उसमें हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है, हम ज्यादा वैसे भी पढ़ते ही नहीं है, तो उसमें कंट्रोल तुम्हारा बहुत बढ़िया है। सो एनीथिंग, इफ कंट्रोल नहीं है, गाड़ी चालू कर दिया, चल चल रही है बट कंट्रोल में नहीं है, कोई ना कोई तो उड़ जाएगा। तुमने देखा होगा एक नाराज हाथी या नाराज घोड़ा या नाराज बैल का जो वीडियोस आते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं वो, जो भी सामने आया। हाथी नाराज हो गया तो रिक्शा कार सबको उलट पलट देता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग सब जगह जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, बट कंट्रोलिंग होता क्या है? सबसे पहले कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट जो कि कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, ही नहीं है डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, ठीक है? प्री डिजायर्ड मतलब प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड या परफॉर्मेंस को मैं बताता हूं क्या होता है। सो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स क्या होता है, उसके लिए मैं तुमको एक ड्राइंग बताता हूं। तुम एग्जाम में ड्राइंग करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सी ऐसा सोचो कि आज दिन भर में कंपनी ने 100 गाड़ियां बनाने का सोचा, प्लान परफॉर्मेंस 100 व्हीकल्स, ये प्लान में है, ऑन पेपर है, एक्चुअल हुआ नहीं है। पूरा दिन गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है,
एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरे दिन का रात को पता चलता है, काउंट करते करते पता चलता है कि 90 गाड़ियां बने हैं। वो कैसे पता चला? तुमने लेट इवनिंग या रात को मेजर किया कितने गाड़ियां बने, 90। तुमने फिर कंपैरिजन किया प्लान का और एक्चुअल का, उससे डिविएशन फर्क पता चला। अनफेवरेबल तब है कि 100 गाड़ी सोचा था 10 गाड़ी कम बना, फेवरेबल तब है जब 100 गाड़ी सोचा था 100 बना, तो फेवरेबल जितना प्लान था उतना एक्चुअल हुआ। अब अनफेवरेबल है 10 गाड़ियां, तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? ज्यादातर प्रोडक्शन रुकता है रॉ मटेरियल के शॉर्टेज की वजह से। इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया जाए। एक्चुअली प्रोडक्शन प्लान तैयार जब होता है तो उतना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है कि नहीं देखना तो चाहिए था, और स्टॉक यदि था या कम था थोड़ा सा, और परचेज डिपार्टमेंट ने बोला था कि वो ला के देंगे, इसका मतलब कुछ तो प्लानिंग में गड़बड़ी हुआ है और परचेज डिपार्टमेंट से चूक हुआ है, ठीक है। या हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल सप्लाई करता है स्टोर्स, स्टोर से रॉ मटेरियल जाता है, स्टोर्स ने रॉ मटेरियल कम रखा, तो एक्चुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की देखा जाए तो गलती नहीं है इसमें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्लान किया है वो स्टोर्स के साथ बात करके, स्टोर्स के पास होना चाहिए था। यदि स्टोर्स ने गो अहेड दिया है कि है, तब तो प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए था। अब स्टोर्स के पास कम है तो स्टोर्स वाले परचेस को बोलते खरीदो, टेक्निकल भाषा में उसको परचेज रिक्वेजिशन बोलते हैं, परचेज रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर परचेज डिपार्टमेंट खरीद के देते हैं। सो देखा जाए तो तीन डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कहाँ गलती हुआ, प्रोडक्शन, स्टोर्स और परचेज। सो अल्टीमेटली पता चलेगा कि स्टोर्स डिपार्टमेंट जो स्टॉक रखता है वो काफी कम रखता है, तो करेक्शन लगेगा। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने अपना जो स्टॉक है थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। अब स्टॉक ज्यादा रखा तो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले बूम मारेंगे कि पैसा अटक जाता है, प्रोडक्शन को थोड़ा टाइम है लेकिन स्टॉक को ज्यादा लेके रख दिया, वो वाली बात है। तुमने गेहूं चाहिए महीने में 2 किलो, तुमने 20 किलो एक साथ लिया 10 महीने का, तो 8 महीने तुमने आज ही 10 महीने का जो पैसा लगा दिया ना, हर महीने 2-2 किलो लेते थे तो लोड नहीं आता था पैसे का, थोड़ा थोड़ा लेते थे, एक साथ 20 किलो लोड लिया तो एक 2 किलो लोगे तो कितना पैसा लगेगा, 100। एक साथ 1,000 रुपए का ले लिया तो इस महीने का हो सकता है पगार कम पड़ जाएगा, वो वाली बात है। सो अकाउंट डिपार्टमेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो करेक्टिव एक्शन, और यदि मान लिया कि स्टोर्स का थोड़ा सा जो स्टॉक है वो बढ़ा देना चाहिए, तो अगली बार 100 का जो प्लान किया और एक्चुअल 100 हुआ तो बराबर है, फिर गाड़ी ये चलते रहेगा। कंट्रोलिंग वो वाली बात है कि जैसे तुम सिर्फ प्रोडक्शन जितना सोचा था और एक्चुअल जितना हुआ उतने में नहीं होता, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, अंदर का जो रॉ मटेरियल डैमेज जो हुआ, ये सब चीज देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे तुमको गाड़ी चलाना है, तुम घर से क्लास में आओगे, तुम्हारा जो गाड़ी का हैंडल है, कोई रास्ता बीच में आया तो ब्रेक दबाओगे, तुम गाड़ी को इस प्रकार से कंट्रोल करोगे घर से या सीबीएस से क्लास आना है तो, कि अब जैसे मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुमको नासिक रोड से क्लास आना है तो पंचवटी से गोल घूम के आ सकते हो, सीबीएस से आ सकते हो, द्वारका साइड से आ सकते हो, नासिक रोड से तुम पाथरडी फाटा से गोल घूम के आ सकते, तुमको क्लास में आने के जरिए बस अशोक स्तंभ से आ सकते हो, तुम कम से कम 5 से 6 तरीके हैं तुम कॉलेज रोड आने के लिए। सो तुम वो तरीका अपनाओगे जिसमें टाइम कम से कम लगे, और जब डिसाइड कर लिया तो गाड़ी का हैंडल उस हिसाब से मूवमेंट दोगे जिससे गाड़ी उस दिशा में चले जिस दिशा में तुमने सोच के रखा हुआ है। आई थिंक बेस्ट एडवाइस इसका मैं दू कंट्रोलिंग का, तो जीपीएस सिस्टम, यदि तुमने गाड़ी में या मोबाइल में जीपीएस चालू किया, मुझे एक जगह जाना था जीपीएस में, तो जीपीएस हाईवे के उस बाजू था, मैं राइट साइड लेने के बजाय थोड़ा सा आगे चला गया, तुरंत जीपीएस ने बोला राइट मारो, पहले राइट मारा, मारना था लेकिन मिस कर दिया, तो मैं आगे चला गया।
तो जीपीएस ने राइट देके फिर रिवर्स करने बोला। गाड़ी का हैंडल मेरा जीपीएस जो जैसा दिशा दे रहा था वैसे पहुंच गया। बोलने का तात्पर्य कि जीपीएस एक बहुत बढ़िया कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। तुम अपने गाड़ी को जीपीएस जिस प्रकार से दिशा देता है और उसमें चूक भी होगा। तुमने वो सुना है स्मार्ट रॉकेट सुना है जो सही दिशा में या जिसको अटैक करना है जिस बिल्डिंग को उड़ाना है जो कंप्यूटर फीडेड प्रोग्राम है बराबर रॉकेट उसको जाकर उड़ाता है। ऐसे स्मार्ट बॉम्ब सुना है यस सर, पर तुमको पता है ये लेजर गाइडेड मिसाइल या स्मार्ट बॉम्ब्स कैसे वर्क करते हैं? ये जब रॉकेट में जो प्री डिसाइडेड या प्री फिटेड प्रोग्राम है जब तुम्हारा रॉकेट हवा में है डू यू एग्री हवा असर करेगा रॉकेट के दिशा को? डू यू एग्री सर हवा असर करेगा क्लाइमेट असर करेगा। तो रॉकेट अपना ट्रेजेक्ट्री बार बार खोएगा लेकिन कंप्यूटर जो फीडेड प्रोग्राम है वो उसको वापस उस दिशा में लेके जाएगा जिस दिशा में उसको जाना है। ये जो ट्रेजेक्ट्री है रॉकेट बार बार लूज करके बार बार अपने ट्रेजेक्ट्री में करेक्ट में वापस आता है। इसी प्रकार से तो रॉकेट्स काम करते हैं। तुम स्केल नहीं है वो कि एक लाइन ड्रॉ किया तो उसमें रॉकेट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से उड़ रहा है तो उसको बहुत सारे चीजें असर करेंगी तो वो अपने आप जो गलत दिशा में जाके वापस सही दिशा में जाएगा। तुम जैवलिन थ्रो जो देखा होगा जो उसने मार किया था जो भी जिसने भी गोल्ड नीरज जो है गोल्ड मेडल जीता था तुम जैवलिन को ऊपर हवा में देखना वो कैसे वाइब्रेट करता है देखा था तुमने? देखा था यस बहुत सर, सुंदर दिखता है वाइब्रेट वो करता है लेकिन अल्टीमेटली वो जो वाइब्रेट करता है जिस दिशा में फेंका गया वो उसी दिशा में जाएगा। बीच में थोड़ा वाइब्रेट होगा उस लकड़ी के लेंथ के वजह से जो पहले के जो ये थे जेवलिन और अभी के जेवलिन में फर्क है। पहले के जेवलिन 100 100 100 तक चले जाते थे क्योंकि उसका बनाया ऐसे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे लगता है जो ग्रेविटी था जेवलिन का पहले का अलग था। फिर जब देखा ओलंपिक्स वालों ने कि जेवलिन से खतरा हो सकता है जो क्राउड है उसको क्योंकि जेवलिन बहुत आगे जा रहा था तो अभी के जेवलिन 80 90 मीटर से आगे जाते नहीं क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने चेंज कर दिया है। मुझे लगता है शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे या पीछे की तरफ लिया है इसलिए वो इफ यू कंपेयर एक जेवलिन थ्रोअर ने अभी 80 मीटर डाला या 85 86 88 मीटर डाला तो 85 86 तक ही पहुंचेगा। अभी का जेवलिन 20 साल 50 साल पुराने जेवलिन बहुत आगे चलते थे। जेवलिन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला है दोनों ने। बोलने का तात्पर्य है कि कंट्रोलिंग तुमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और जो एक्चुअल में बार बार फर्क आ रहा है वो फर्क का कारण तुम ढूंढ के तुम उसको करेक्ट करते हो। जैसे कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बोलता है कि तुमको दिन में 2 घंटा पढ़ाई करना है। तुम सोचते हो कि एक दिन पूरा सवेरे पढ़ लेते हो और दूसरे शाम रात तुम आओ। एक दिन 1 घंटा सवेरे होता है लेकिन तुमको पता है 1 घंटा बाकी है तो तुम शाम को कवर अप करते हो डिसिप्लिन के थ्रू। बेसिकली कंट्रोलिंग जो तुमने प्लान बनाया है उस हिसाब से होना चाहिए एक्चुअल। नहीं हुआ तो फर्क क्यों हो रहा है? लास्ट एग्जांपल दूंगा। तुम यहां से मुंबई जाते हो तुम सोचते हो कि गाड़ी में करीबन 180 किलोमीटर है करीबन 160 किलोमीटर है। तुम्हारी गाड़ी 16 का माइलेज देती है 10 लीटर भरना चाहिए मतलब 1000 रुपए का पेट्रोल तुम भरते हो लेकिन जब जाते हो तो पता चलता है 1200 रुपए का लग जाता है। आजकल गाड़ियों इतने एडवांस हो गए कि कितना माइलेज दे रही है वो भी आ जाता है और टायर में कितनी हवा है प्रेशर कितना है टायर में वो भी आ जाता है। जब तुम पहुंचते हो तो तुमको 1200 रुपए का पेट्रोल लगता है तो तुमने सोचा था 1000 लगा 1200 तो तुम सोचते हो ऐसा क्यों हो गया? तुम स्टडी करते हो कारण तो पता चलता है कल्याण फाटा में ट्रैफिक बहुत था बहुत देर सिग्नल में और गाड़ी खड़ी थी तो उसकी वजह से पेट्रोल काफी जल गया और गाड़ी स्लो चला 10 20 30 की स्पीड में चल रही थी
जबकि थाने से पहले तुम आराम से 60 70 की स्पीड 80 की स्पीड में ड्राइव करके जा रहे थे। सो ये था तुम्हारा व्हाट इज कंट्रोलिंग। सबको समझ में आया यस और नो? यस सर। ओके, एक सेकंड होल्ड करना। तो हम इसमें ही कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज कंट्रोलिंग अभी, और आगे बढ़ाते हैं और इसको फटाफट क्लोज करते हैं कि कंट्रोलिंग मींस एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म। जो तुमने एक्टिविटीज परफॉर्म करने का सोचा है वो एज पर द प्लान्स के हिसाब से सोचा है, करेक्ट? अभी हम देखेंगे डेफिनेशन। ये तुमको रट्टा मारना है डेफिनेशन। सो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप्स। जो स्टेप्स तुम लेते हो वो रिजल्ट्स वैसा है जिसे तुमने प्लान किया था, ठीक है? क्लोजर टुगेदर, जो तुमने मतलब जितना स्टडी का सोचा था एक्चुअल में उतना ही हुआ। सो ये तुम्हारा कंट्रोल का डेफिनेशन है। फिलिप्स कोटलर बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने दिया है। सो ये तुम्हारा व्हाट इज कंट्रोल था। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। 4 मार्क का शॉर्ट नोट आया तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम एबीसी फॉर्म में आंसर लिखो, ठीक है? सो सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हम देखेंगे क्या क्या है। एक एक करके पॉइंट तुम्हारे सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सी, ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स होते हैं, ठीक है? कोई भी गोल अचीव करना है, प्लान तो 50 तुमने किए होंगे पढ़ाई के, 50 बार लिख के किया होगा, सोच के किया होगा, और लगभग हर बार एक्चुअल हुआ ही नहीं रहेगा जैसे प्लान किया है। 2 घंटे का सोचा होगा, बाद में पता चला 15 मिनट की पढ़ाई हो गई और जल्दी उठने का सोचा सो गए। क्लास का ही ले लो, कई बार सोचा तुमने सवेरे जल्दी उठेंगे क्लास के लिए, बाद में पता चला 9 बजे नींद खुली और फिर ख्याल में रहे क्या हो गया, अलार्म बजा नहीं, 5 मिनट सोचा 5 मिनट का 9 बज गया। सो कंट्रोलिंग ठीक से रहा। अब जैसे ऐसा रहा, सपोज तुम लेट उठते हो, 6:45, 7 का क्लास के लिए 6:50 को उठते हो, 6:55 तक नहीं उठे तो ऊपर से एक पानी का बकेट तुम्हारे सर पे गिरेगा, तो झक मार के उड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो प्लान किया था लेक्चर करने का वो जबरदस्ती हो गया, क्योंकि बकेट जबरदस्ती तुमको उठा देगा, ठीक है? सो पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कंट्रोल के बिना तुम्हारे गोल बाय डिफॉल्ट या बाय लक अचीव होगा, प्लान तरीके से नहीं होगा। प्लान तरीके से करना है तो प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करके दोनों साथ में चल रहे कि नहीं वो देखना पड़ता है। तुमको एक और एग्जांपल दूंगा कंट्रोलिंग का। सबसे बेस्ट तुम्हारा गीजर या फ्रिज कैसे काम करता है, एसी कैसे काम करता है, उसमें थर्मोस्टैट रहता है। थर्मोस्टैट जो गीजर में रहता है, एक टेम्परेचर आने के बाद वो करेक्शन काट देता है, नहीं तो लगातार गर्म होकर धमाका हो जाएगा गीजर में। समझ में आ रहा है? तुम्हारे एसी और फ्रिज में क्या रहता है? कॉम्प्रेसर रहता है। एक लेवल ऑफ ठंडा होने के बाद वो क्लाइमेट वो फ्रिज को कट ऑफ कर देता है। तुमने देखा होगा फ्रिज बंद हो जाता है, बंद चालू देखा है तुमने, सुना है? यस सर। तो यस कंप्रेसर सर। वो क्या है? कंट्रोल पे तो काम करता है कि तुमको टेम्परेचर चाहिए 22, 22 के आने के बाद और चिल ना हो जाए, 20 ना हो जाए तो वो बंद कर देता है। फिर वापस टेम्परेचर 24 होता है, वापस चालू कर देता है वो एसी को, वापस ठंडा करके 22 आता है वापस। तो इसी प्रकार से तो एसी और फ्रिज काम करते हैं, करेक्ट? फिर दूसरा, एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोलिंग विल ऑलवेज इंश्योर कि अभी जैसे तुमको एक पलंग बनाना है, कारपेंटर को तुमने बनाया, लकड़े के शीट्स आते हैं, उसको पता है कि नीचे एक शीट लगेगा, ऊपर एक शीट लगेगा, साइड में कट करके टोटल 5 शीट्स लगेगा, ठीक है? तो सीधा हिसाब है वो 5 मंगाएगा और कम पड़ गया इसका मतलब कुछ तो हुआ है, या तो जो मिस्त्री है जिसको जो काम करते हैं कारपेंटर, उन लोग से कुछ गलती हुआ है या खराब हुआ है, चोरी हुआ है,
तो जो रिसोर्सेज है जितना लगेगा, तुमने वंस अभी एक सीधा बात है, टेलर को शर्ट बनाना है तो उसको पता है एक शर्ट में 6 बटन देते हैं, 7 बटन देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 8 बटन, लेकिन जहां 10 से 12 बटन लग रहा है मतलब कुछ तो गफला हो रहा है। सो स्कैस रिसोर्सेस का बेस्ट तरीके से यूज किया जाता है बाय कंट्रोलिंग। अब तुम कोविड के टाइम में ले लो कि दुकानें जब बंद है और जब 2 बजे तक या 4 बजे तक चालू थे, तो तुम जैसे घर के खर्चे भी तो कंट्रोल में लेकर आए होंगे। जब पता है कि टर्नओवर कम हो गया है, पगार कम हो गया है, तो फैमिली ने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, सब फालतू खर्चे रोक दिए, वो भी तो कंट्रोल का एक रूप है। स्कैर्स मतलब कमी, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज। तीसरा, डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज, सीधा हिसाब है। तुमने तुमने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि एक जमाने में लैंडलाइन हुआ करते थे और लैंडलाइन के बिल भी बहुत आते थे, तो कंपनी क्या करता था, जैसे डिपार्टमेंट है उसमें 4 लोग हैं, जो डिपा कंपनी बोलते थे इस डिपार्टमेंट के लिए 1,000 रुपए तक का टेलीफोन बिल हम अलाउड करेंगे, ऊपर का खर्चा आता है तो एम्प्लॉय के जेब से डालना पड़ेगा। तो अब एम्प्लॉय को पता है 1,000 रुपए के ऊपर भरना पड़ेगा, तो सब क्या होता है कंपनी में लोग फिर टेलीफोन से घर पे फोन करते थे प्राइवेट, और जो टेलीफोन है वो बिजनेस के लिए है, ठीक है, टेलीफोन कंपनी के लिए था लेकिन लोग पर्सनल यूज करते थे। तो मोमेंट लिमिट लाया 1,000 रुपया तो लोग ऑफिशियली कॉल करेंगे, पर्सनल कॉल कम कर देंगे, तो डिसिप्लिन आ जाता है एम्प्लॉयज। चौथा, मेकिंग द एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। अभी क्या होता है एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में सपोजली महीने में एक एम्प्लॉय को बोला तुझे 20 गाड़ियां बेचना है, ठीक है, श्रावण का महीना चल रहा है या दिवाली आ रहा है, तो तुझे 20 गाड़ी बेचना है, ऐसे बोल दिया 1 तारीख को, उसको बोल दे दिया है। 30 तारीख को वो बोलता है सर सिर्फ 14 गाड़ी बेचा। तुरंत उसको पूछा जाए क्यों 6 गाड़ी कम बिका, वो बोलता है कि 2 दिन वो एबसेंट था या कस्टमर्स कम थे। तो लॉजिक ये है कि एम्प्लॉय जवाबदार है उसके एक्शन के लिए, यदि कुछ कम पड़ जाता है तो एम्प्लॉय को आंसरेबल है। अब अगले महीने उसको बोला जाता है ठीक है अभी दिवाली बस आ ही चुका है, तेरे को 25 गाड़ी बेचना है, वापिस वो 20 गाड़ी बेचेगा तो उस पर प्रेशर रहेगा कि पिछले महीने भी टारगेट नहीं हुआ था अचीव और इस महीने भी नहीं हुआ। सो उसके एक्शंस के लिए जवाबदार है एम्प्लॉय। पांचवा, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज। अब मैंने तुमको प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्शन में 100 गाड़ी सोचा 90 हुआ, तो या तो एम्प्लॉयज ने धीरे काम किया या तो स्टोर्स के पास रॉ मटेरियल नहीं था, स्टोर कीपर को पूछेंगे, परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को पूछेंगे। अभी क्या होएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कई बार झगड़े होते हैं मेंटेनेंस के साथ। प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि मेंटेनेंस वाले ठीक से मशीन को सर्विसिंग नहीं करते, मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि प्रोडक्शन वाले बहुत रफली मशीन को यूज करते हैं। बाद में पता चलता है कि रीजन था, जैसे मैंने एक कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया था तो ये झगड़े थे, जब उन लोगों ने कारण ढूंढा तो ना प्रोडक्शन की गलती थी ना मेंटेनेंस की गलती थी, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हुए थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट खराब हो गया था। तो इससे प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के एम्प्लॉय दिन में झगड़ा था, एक झटके में शांत हो गए वो लोग, क्योंकि गलती दोनों की नहीं थी। तो कंट्रोलिंग से पता चलता है कारण और फिर कंफ्लिक्ट झगड़े सॉल्व किए जा सकते हैं। छठवा, अचीविंग स्टेबिलिटी। क्या होता है जैसे तुम्हारा फ्रिज, एसी, कम था गीजर, द मोमेंट टेम्परेचर एक लेवल पे आता है तो कनेक्शन काट देता है, तो तुम्हारा गीजर तुमको पता भी नहीं चलता है, तुमने फ्रिज कैसे चल रहा है कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमको वस्तु ठंडा चाहिए लेकिन फ्रिज के अंदर कितने सारे काम हो रहे हैं, टेम्परेचर हो रहा है, कनेक्शन कट रहा है, ये पूरा दिन भर चलता रहता है, लेकिन तुमको देखो फ्रिज एकदम स्टेबल दिखता है। बट वो वाली बात है, स्टेबल के अंदर कनेक्शन कम ज्यादा कम ज्यादा, अंदर बोलते हैं ना लड़ाई हो रही है रुक रही है, लड़ाई हो रही है रुक रही है, लेकिन बाहर से कैसे पूरा स्टेबल दिखता है। सो कंट्रोलिंग एक प्रकार का एडेप्टेबिलिटी करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर। जैसे मैंने बोल दिया कि एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुझे महीने में 20 गाड़ी बेचना है, एक प्रकार का लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है,
15 तारीख को वो चेक करेगा, अरे 20 गाड़ी बेचना है मतलब 15 दिन में 10 गाड़ी, तो भाई अभी सिर्फ 8 ही गाड़ी बिके, तो उस पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर लगातार रहता है प्लानिंग का और एक्चुअल का, ठीक है। 15 दिन में वो नोट कर रहा है कि इसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। इसलिए तुम देखो पुलिस फोर्स में जब भी पुलिस का चेकिंग होता है, ट्रैफिक पुलिस का, अभी तो खैर कम करते हैं कोविड की वजह से, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हमेशा 26, 27, 28 मंथ एंड में ज्यादा चेक करते थे, क्योंकि उनको भी गोल दिए जाते हैं इतना तुमको फाइन कलेक्ट करना है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस को भी लगातार प्रेशर रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और तुम होम लोन लेने जाओगे ना 1 तारीख को, तो वो लोग धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन तुम वही 17, 18 को जाओगे ना, तुम्हारा काम जल्दी होगा, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि अगस्त के गोल अचीव करने में वो लोग क्या करेंगे, 1 तारीख रहेगा तो 15, 17, 18 तारीख करवा देंगे, लेकिन 17 तारीख को जाएंगे ना, 7, 8 दिन में तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मंथ एंड से पहले उनको फाइल क्लियर करना है ताकि वो इस महीने के गोल में दिखा सके, भाई उनको भी तो कमीशन मिलता है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता ही उन पर। 9th हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्रोडक्शन का, स्टोर्स का, परचेस का, अकाउंट्स का, सबका कोऑर्डिनेशन के बिना कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकता, सबको अपने अपना काम करना है। प्रोडक्शन को प्रोडक्शन प्लानिंग भेजना है स्टोर्स को, स्टोर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, कम पड़ गया तो स्टोर कीपर को परचेस रिक्वायरेशन डालना है, परचेस को ऑर्डर करना है, अकाउंट्स को पे करना है, यदि कोऑर्डिनेशन कमी हुई कहीं पे तो प्रोडक्शन रुक जाता है, और सब कुछ तो प्रोडक्शन पे, गुड्स बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या। और लास्ट में मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है अपने नोट्स में, मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ बोलते हैं। मोटिवेट्स एम्प्लॉइज कैसे होता है कि एमबीओ जो कंसेप्ट है वो बताता है कि एक मैनेजर और एक जूनियर मिलकर, मैनेजर और जूनियर साथ में मिलकर जूनियर के लिए गोल सेट करते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में ये अचीव करना है, और हर महीने इवेल्युएट करते हैं कि एम्प्लॉय कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या उसने अचीव किया, क्या क्या टारगेट मिस किया, ये चेक करते हैं। कंट्रोलिंग एक बहुत बढ़िया टूल है ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अभी एक बार रीड कर लो तुम लोग इस, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, तुमको आसान पड़े इसलिए। ये 1 करोड़ का गोल स्टोरी है। ये स्टोरी है 1 करोड़ का गोल। सबसे पहले स्टोरी ऐसे मूव करता कि एक लड़का गोल बनाता है कि मैं 1 करोड़ गोल अचीव करके ही रहूंगा, ठीक है, पहला पॉइंट। और एक और चीज बताता हूँ, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में लगभग पहला पॉइंट तो गोल ही होगा। तुमको गोल या ऑब्जेक्टिव वर्ड का, ठीक है। एक लड़का गोल बनाता है कि 1 करोड़ गोल वो अचीव करना चाहता है, तुम्हारी उम्र का यंग लड़का है, पर अभी उसके पास रिसोर्सेस स्कैंड है, स्कैंड मतलब कमी, या स्कैर्स कर दो, तो स्कैंड नहीं करते, स्कैर्स कर देते हैं। तो एक लड़का गोल बनाता है कि उसको 1 करोड़ कमाना है, पर 1 करोड़ कमाने के लिए उसके पास रिसोर्सेस स्कैर्स है, स्कैर्स है, कम है, ठीक है। तो पर गोल अचीव करने के लिए उसे एंश्योर करना पड़ेगा कि वो डिसिप्लिन में रहे। तो एक लड़का गोल बनाता है कि भाई उसको 1 करोड़ रुपए कमाना है, बट वो सोचता है पर रिसोर्सेस तो नहीं है, बिजनेस चालू करूं या क्या करूं, रिसोर्सेस की तो कमी है, पर वो सोचता है ठीक है रिसोर्सेस तो नहीं है, पर मैं डिसिप्लिन में तो रह सकता हूँ कम से कम, ठीक है। फिर वो शुरू करता है, वो स्टार्टअप शुरू करता है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को हायर करता है और उन्हें एक्शन प्लान देता है। एक लड़का गोल बनाता है 1 करोड़ रुपया उसको अचीव करना है, पर अभी उसके पास रिसोर्सेज नहीं है या रिसोर्सेज स्कैर्स है, कम है। फिर वो सोचता है रिसोर्सेज कम है पर मैं डिसिप्लिन रहूंगा, वो एक स्टार्टअप शुरू करता है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है, उनको एक्शन प्लान देता है, पर एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, पर एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है।
एक लड़का गोल बनाता है कि उसको 1 करोड़ अचीव करना है, पर उसके पास रिसोर्सेस स्कैर्स है, पर वो सोचता है रिसोर्सेस स्कैर्स होगा पर मैं डिसिप्लिन रहूंगा। वो एक स्टार्टअप शुरू करता है, एम्प्लॉयज को हायर करता है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को उनको एक्शन प्लान देता है, पर एम्प्लॉयज में कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी के डर से, क्योंकि नया नया स्टार्टअप है, कोविड स्टार्ट हो गया, जॉब में खतरा है। सो एम्प्लॉयज थोड़े दुखी और नाराज हो जाते हैं कंफ्लिक्ट के डर से, क्योंकि कोविड की वजह से एम्प्लॉयज एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के चेंजिंग एनवायरनमेंट से। तुमको पता नहीं होगा वर्क फ्रॉम होम का कितने लोग को असर हुआ है, जैसे हमारे जैसे लोग को जो टीचर्स है उनको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आता है। तुम लगातार बोलते हैं ना कंप्यूटर के सामने हो, बॉडी मूवमेंट कम हो रहा है, तो इसके वजह से काफी टीचर्स को भी असर, साइकोलॉजिकल असर होता है, थकान महसूस होता है। तुमको भी घर पे बैठे बैठे बोरियत, हेडेक्स, ये सब वो सबको प्रॉब्लम्स हुआ है। तो बोलने का तात्पर्य है कि जो लड़का गोल बनाता है 1 करोड़ का, उसके पास रिसोर्स की कमी है पर डिसिप्लिन वो सोचता है रखूंगा, स्टार्टअप शुरू करता है, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को हायर करता है, एक्शन प्लान देता है, पर उनमें कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है क्योंकि जॉब स्टेबिलिटी नहीं रहा। उनको कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वातावरण घर ऑफिस में ज्यादा ऑफिशियल रहता है, वर्क फ्रॉम होम में क्या कैजुअल रहता है, तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे वर्क फ्रॉम होम के चेंजिंग एनवायरनमेंट से। अभी वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, जो हाउस वाइफ है उसको दोपहर का खाना बनाना पड़ता है, जब था कंपनी में तो कंपनी में खाना खिलाते थे। अब तुम टाटा की बात करोगे, टाटा मोटर्स जो अहमदाबाद के यहाँ पे उनका प्लांट है, ठीक है, अहमदाबाद से करीबन आधा घंटा दूर का प्लांट है, 13,000 आठ या कुछ 13,000 लोग के लिए खाना बनता है वहां पे, सबके लिए सेम रहता है, वर्कर या मैनेजमेंट के लिए, तो खाना बहुत बढ़िया रहता है, एम्प्लॉयज को बहुत मजा आता है, हर रोज अलग नाश्ता अलग खाना और फ्री रहता है एम्प्लॉय के लिए। तो बोलने का तात्पर्य है कि अभी घर पे हाउसवाइफ को बनाना पड़ेगा, बार बार चाय लगता है तो उसका लोड आता है घर पे, ठीक है। एक क्लोज माहौल में रहते हैं, कंपनी बड़ा रहता है, तो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे एम्प्लॉयज। तो लास्ट बार मतलब रिवाइज करते हैं, 1 करोड़ का गोल है और उसके पास रिसोर्सेस स्कैर्स है, वो सोचता है मैं डिसिप्लिन रहूंगा, स्टार्टअप शुरू करता है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज को हायर करता है, पर एम्प्लॉयज में कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है क्योंकि जॉब स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि घर से काम करने को बोला है कोविड की वजह से, तो अडेप्ट करना मुश्किल हो रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द कंपनी टू वर्क फ्रॉम होम से। घर पे काम करते हुए एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है क्योंकि क्लोज रूम में काम करते हो, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, जैसे वर्कर रहेगा तो डर जाएगा, अकाउंट्स का एग्जीक्यूटिव डर जाएगा, मैनेजर बाजू में होगा तो तुरंत पूछ के सॉर्ट आउट करेगा, बार बार फोन करो, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कंपनी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक ऐप, हमने एक ऐप तैयार किया है, इसका ऑटो सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे कंपनीज हैं, उन लोगों ने ऐप तैयार किया रहता है एम्प्लॉय के लिए कि तुम अपना प्रॉब्लम्स कंप्लेंट सब प्लानिंग उसमें डालो ऐप में, तो कंपनी एम्प्लॉय पे घर बैठ के साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। तो कंपनी ने कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐप तैयार किया एम्प्लॉय के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए आसानी से ऐप हो जाए, जिसकी मदद से उन्हें प्रमोशन प्रॉब्लम जो भी है ऐप में बताते आएगा, विप्रो कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ। तो जो ऐप तैयार किया उससे उनको आसानी होता है, तो अब एम्प्लॉय थोड़ा स्टेबल हो गया, तो नाउ एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट्स से लिख के निकालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।